नसीरुल्ला खान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। उसने कहा कि जी हम तकरीबन इतना पैसा खर्चते हैं इम्पोर्ट में, एग्रीकल्चर ये वो। उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, उन्होंने कहा हमारी इस वक्त एवरेज जौन सी पैदावार है मसलन गंदम की, वो है तकरीबन 36 मन पर एकड़, जो 30 मन। और अगर से जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो रेगुलरली 40 से 45 मन पर एकड़ निकाल रहे हैं, उनका सीड बेहतर होता है, टाइम पे खादें डालते हैं, उनका इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है। उसने कहा अगर आप सिर्फ 30 से 36 मन ले जाएं पर एकड़, जो 26% की इंक्रीज है, तो आप अपनी एनुअल वीट आउटपुट को 32 मिलियन टन पे आराम से ले जा सकते हैं। तो अगर आप यही कर लें तो विद इन फ्यू ईयर्स आप तकरीबन कोई 3.5-4 बिलियन का ये जो टीका लगता है ये भी ख़त्म हो जाता है। 26% तो एकरेज बढ़ाना मुझे मसला इतना बड़ा नहीं लगता कि है इतना बड़ा मसला। और दूसरा, जैसे अभी बात कर रहे थे डॉक्टर परवेज़ भी, पहले डॉक्टर खालिद भी बात कर रहे थे, ये अब अगर हमने बिजनेस मॉडल पर जाना है तो क्या अमर माने है, क्या क्रेडिट नहीं मिल रहा। एक बहस चल रही थी कि जी सब्सिडीज़ आप फर्टिलाइज़र कंपनियों को ना दें, फार्मर को दें। प्रोग्राम से पहले मैं खोकर साहब से बात कर रहा था, इन्होंने कहा जी फार्मर्स को ना दें, पहले भी जो उनके नाम पे सब्सिडीज़ आई थी उनको नहीं मिली, दरमियान में गायब हो गई। तो ये ट्वीकिंग जो हल्की फुल्की, हम ट्वीकिंग भी क्यों नहीं कर पा रहे। मालिक साहब थैंक यू वेरी मच सर, हमारे यहाँ सर थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, एक मिनट मैं जस्ट उसका इब्तदाइया आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है, हम लोग एक तो जो अपने मसाइल हैं, एक उसका डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो हम बहुत लेट करते हैं। जब हम उसको डायग्नोस कर भी लेते हैं तो हमारे यहाँ ये बहस शुरू हो जाती है कि हमने इससे इलाज करवाना है या इससे इलाज करवाना है। और इसी सारी बहस के अंदर जो है वो एक जो उसका मोमेंटम होता है किसी चेंज को लाने का, वो ख़त्म हो जाता है। सर जो आप फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉटन की जो वीट का मेजर इशू है, मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर जो इस वक्त हमारे यहाँ हो रहा है, ये आज से 20-25 साल पहले इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत सीरियसली सोच लेना चाहिए था। आपको याद होगा 60s के अंदर हमारे पास को तकरीबन 4.5 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी और हम गंदम नहीं पूरी कर सक रहे थे। फिर उसके बाद जो आपका रेवोल्यूशन आया जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, वहाँ पे आपने मैक्सी पार्क एक वीट की थी वैरायटी, उसके थ्रू आपने जो कांगयारी या फंगल डिजीज़ है उसके ऊपर हमने कमांड लिया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इसमें बहुत हेल्प की हमारी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ नैरी सिस्टम बना, फिर ये आपका साउथ पंजाब जो है ये उस वक़्त अयूब खान के दौर में ये सारी ज़मीनें आबाद हुई। ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी कि उसने आपको 2090 तक इस कंट्री को सर फीड करवाया। और आपको याद होगा कि हम आज से 8-10 साल पहले गंदम के अंदर सरप्लस हुआ करते थे, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ द सर मेजर जो इसके अंदर फूड इनसिक्योरिटी में जो रोल प्ले कर लिए वो ये है। आपने यूक्रेन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हम यूक्रेन से ज़्यादा सर गंदम प्रोड्यूस करते हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग 27.5 मिलियन टन, लास्ट ईयर हमने जो है हिस्टोरिकली हाई यील्ड ली। अब इशू ये है कि आगे हर साल आपको तकरीबन 6 मिलियन लोग इस सिस्टम में सर इंडक्ट हो रहे हैं, विच इज़ जस्ट इक्वलेंट टू द न्यूजीलैंड और बहुत सारी कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक। अब ऐसे कंट्री 5.5 मिलियन बच्चे पैदा करते हैं हर साल हम। जी वही ना जी, तो अब जाहिर उन्होंने बेचारों ने कुछ खाना है। अब वो ये एक अलहदा डिबेट है जिसको आपने इनिशियली अपने इंट्रोडक्शन में बताया। पाकिस्तान का हाशर ये हुआ है सर कि आपके पास कुछ तकरीबन 87% ऑफ योर पॉपुलेशन जिसको हंगर या फूड रिस्क पे है। फूड रिस्क को डिफाइन अगर मैं करूँ तो उन बेचारों को तीन टाइम का खाना नहीं मिलता जी। अगर ये जो 37% अगर इसको रीसेंट कंसेंसस पर डाल के देखें तो ये सर को 88 मिलियन लोग हैं इस कंट्री के। फिर उसके बाद 18% ऐसी पॉपुलेशन है आपकी जो कि इसीलिए पूछो ना, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट के। अच्छा, मुझे आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिबेट को फोकस करना चाह रहा हूँ
कि हमें अब ऐसे लग रहा है कि जी जैसे सोल्यूशन ड्रिवन बातें हो रही हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सही सोल्यूशंस की तरफ हैं। मसलन गंदम की मैंने एग्जांपल दी कि अगर इसमें सिर्फ 26% बढ़ जाए सीड, अच्छा सीड पे जब आता है जी सीड नहीं है, सीड की जो जितनी दो नंबर कंपनीज पाकिस्तान में खुल के काम कर रही हैं कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर कोई सीड पे एक नया ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है कि जी जीन ऑल्टर्ड नहीं है, ये GMO फलाना है, पूरी दुनिया में GMO की चीज़ें लगी हुई हैं, सीड्स चल रहा है, कॉटन भी उग रहा है, सब कुछ उग रहा है, यहाँ पे GMO के नाम पे पता नहीं क्या क्या लोगों को डराया हुआ है। मैं भी पिछले साल देख के आया जी मोसेंटो बायर इन सब की मैं रिसर्च फैसिलिटीज़ में गया, तकरीबन 4.5 से 5 बिलियन डॉलर वो एनुअली स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ रिसर्च के ऊपर और बीमारियाँ ख़त्म कर रहे हैं प्लांट्स में से, वो चीज़ें हमारे यहाँ एक लोगों को डराया हुआ है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स क्लियर हैं कि रास्ता है कौन सा, क्या वो क्लियर है जी? इसमें सर रिक्वेस्ट मैं आपसे करूं कि इस वक्त आपके पास जो कॉटन है वुड यू बिलीव कि 100% इज GMO? और ये आज से नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से आपके पास GMO कॉटन है और ये पब्लिक इसको कंज्यूम कर रही है। इसके ऊपर जो डिबेट करनी है दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन जो आपकी बात में आता हूँ कि जो परवेज साहब भी बात कर रहे थे, जो वीट है मुझे ये समझ आती है कि इस मुल्क में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का जो दरवाज़ा है या गली है वो वीट है सर। अगर हम वीट की एक जो एकर जो है पर एकर यील्ड इसको इंक्रीज कर ले जो कि हम बड़ी आसानी से 40 मन पे लेके जा सकते हैं। अब 40 मन पे लेके जाने की बुनियादी प्रॉब्लम जो है वो दो फैक्टर हैं सर। नंबर वन इज सीड, सर्टिफाइड सीड अवेलेबल नहीं फार्मर को, कोई तकरीबन हमें 11 लाख टन जो है वो सीड रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट के पास इतना मसल नहीं वो उसको बना सके और फिर फार्मर्स को दे। एंड सेकंड इज बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं लिम्स के इनिशिएटिव को, आर्मी के चीफ साहब के, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो 5% या 10% या वट एवर जो भी परसेंटेज कॉर्पोरेट सेक्टर की बनेगी जो कि बहुत थोड़ी होगी, ये मैं प्रवेश साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सर ये लोग आपके एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर को जो कि 56-57 मिलियन एकड़ पे हो रहा है इनको सर्टिफाइड सीड बना के दें, ये गंदम का सीड बना के दें, ये इनको कॉटन का सीड बना के दें, उससे आपकी ना सिर्फ व्हील 40 मन पे आ जाएगी बल्कि जो आप 23 मिलियन एकड़ से गंदम जो है 27 मिलियन टन निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, ये आप 18 मिलियन एकड़ से सर 31-32 मिलियन टन जो है वो गंदम निकाल लेंगे। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? जो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हैं ये कंपीट करती हैं गंदम के साथ सर। आप $5 बिलियन की जो है वो ऑयल इम्पोर्ट करते हैं हर साल, वजह क्या है कि आपके यहाँ तो आप अपने गंदम पूरी कर लें तो या फिर आपका नौला या सनफ्लावर या इस तरह की क्रॉप्स लगा लें क्योंकि उनका टाइम वही है सोइंग का। अगर आप इसमें गंदम की पारी का यील्ड इंक्रीज करते हैं तो आपके पास 5 मिलियन एकड़ सर रकबा निकलता है बाहर, वहाँ पे आप ऑयल क्रॉप्स नवंबर में लगाएं उसको मार्च के अंदर हार्वेस्ट कर लें। दुनिया के अंदर कहीं जाके सर कॉटन जून में नहीं लगती या इतने हाई टेम्परेचर में नहीं लगती और हम कई सालों से मार खा रहे हैं। जब आप ये वाला मॉडल लेके आएंगे तो आप फिर मार्च के अंदर कॉटन लेके आएंगे जिसकी यील्ड डबल होती है सर। आई एम डूइंग माई फार्मिंग, मैंने मार्च के अंदर गंदम लगा इसको कॉटन को लगाया और इस वक्त मैं 20 मन फी एकड़ उसकी यील्ड उठा चुका हूँ जबकि वो नवंबर तक या अक्टूबर तक वो क्रॉप चलेगी। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली यहाँ पे कॉटन जो है फार्मर वो 18 मन 15 मन उठाता है सर और मैं अगर 35-40 मन निकालूंगा तो इसका तो वो इसका हमारा फार्मर क्यों लगा रहे हैं उसको किसी ने, हमारे फार्मर को ये चीजें पता नहीं है तो फिर नसीर साहब ये मसला अवेयरनेस का है ना कि हमारे फार्मर को सिखा कोई नहीं दे बात ये। तो ये जो से ये मैक में बने हुए जरात के मालिक साहब अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा हर साल करते हैं मालिक साहब जी। सर आप अगर इस तरह से जाएंगे वहाँ पे, आप देखिए ना मैं अगर 550 पे करूँ तो आई डन इट ओनली 60 acres। द रीज़न इज के बेसिकली इस मुल्क का बुनियादी मसला जो है वो स्टेपल फूड है, गंदम है। जब तक आप गंदम में सेल्फ सफिशेंसी नहीं लेंगे और कम एरिया से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे आपकी एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती।